यहाँ पे तो देखो कितना ख़तरनाक लैंडस्लाइड हुआ है भाई, क्या ही कॉर्नरिंग हो रही है। ओ ओ गाइस ये देखो यार, लद्दाख वाली फीलिंग आ रही है। ओ भाई साहब ये देखो एकदम स्टीफ। हाँ कितना मस्त लग रहा है ये। यहाँ से एक जाते हैं नीचे झरना है, वहाँ पे हम उस दिन गए थे। जो लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है उन लोग को मालूम होगा, इंस्टाग्राम पर मैंने स्टोरी डाली थी वो साइड की, मैं गया था झरने पे। पर तब मैं अनफॉर्चुनेटली मैं हेलमेट लेने जाना भूल गया था और मैं व्लॉग भी नहीं शूट कर पाया था। सामने ये गाड़ी आ रही है अपनी, ओवरटेक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो लैंडस्लाइड हुआ है, तो देख के ही चलना पड़ता है और स्लो स्लो। देखो यहाँ पे भी अब सामने से कोई ओवरटेक करके आएगा तो, यहाँ पे तो देखो कितना ख़तरनाक लैंडस्लाइड हुआ है, पूरा एक साइड का लेन ही है कर दिया। ये ग्रीनरी इतना नहीं है लेकिन पहाड़ बहुत ज़्यादा है बड़े, एकदम ट्रायंगल टाइप दिख रहे। ऐसे रोड पे चलाने के लिए स्किल चाहिए। आज गाड़ी का पूरा टेस्ट होएगा अपना, पावर वावर जो भी होगा ना KTM का सारा पावर निकलेगा। ये साइड भी देखो लैंड स्लाइड हुआ है। धीरे धीरे करके ऊपर ऊपर चल जाएंगे और यही एक रास्ता है शायद तक तो मोलगी जाने का, दूसरा एक साइड है। वाह क्या ठंडी सी हवा एकदम, आहा इतनी ठंडी हवा है ना मस्त। चौथे गियर में भी अच्छी चल रही है ऊपर तक भाई, क्या ही कॉर्नरिंग हो रही है। ओ गाइस कितने टॉप पे आ गए अपन, धीरे धीरे कहाँ तक पहुंच जाएंगे अपन। ये देखो ऐसा लगता है एकदम पास में ही पहुंच गए इसके। और यहाँ के क्या रास्ते हैं भाई एकदम अच्छे हैं, रायसिंहपुर में इतने अच्छे रास्ते नहीं थे जितने अच्छे रास्ते यहाँ पे। हम क्यों हिला डाला ना, बहुत डेंजरस रास्ते हैं यहाँ पर। असाली
कितने अच्छे रोड है और घर भी, फुल नेचर। टॉप पे आ गए एकदम, कितना जबरदस्त लग रहा है देखो गाइस, फुल फन। हाँ, ओ ये रास्ता देखो, तो अपने आप ही गाड़ी नीचे जा रही है। आहा आहा, कितना प्यारा, इतना प्यारा। 40 से 60 की स्पीड पे चल गए अपने आप। अच्छा है कि ठंडी हवा आ रही है, वरना तो इतनी धूप है ना, दोपहर का टाइम हो गया है। अरे आसमान ही दिख रहा है, आसमानों की ऊंचाइयों में कोरा ही कोरा है। ओ गाइस ये देखो, ये चेक करो कितना खतरनाक, फुल टॉप पे आ गए अपन। लद्दाख वाली फीलिंग आ रही है। ओ भाई साहब ये देखो, लेकिन मुझे चलाने में फोकस करना पड़ेगा, कितना खूबसूरत ऊपर आ गए। हाँ हाँ एकदम टॉप पे देखो, थार सही जगह लेके आया भाई, तो थार यहीं भी इसकी ज़रूरत है। हो देखो वो रोड देखो कैसे है, ड्रोन लाना चाहिए गाइस, अगर ड्रोन हो ना तो बहुत ज़बरदस्त आए। ये देखो और ये टर्न, कितना प्यारा, एकदम स्टीफ। कितने ऊपर आ गए, मजा आ गया एकदम फुल। अरे वाह क्या वेदर है यहाँ पे, जैसा ऊपर बादल है तो पूरा छाई छाई लग रहा है एकदम। आहा आहा कितना मस्त लग रहा है, ये पहाड़ों पर एकदम छाई है।
क्रेजी टर्न था ये तो। ये क्या पत्रे? नहीं नहीं खेती की है, मुझे ऊपर से ऐसा लगा कि पत्रे है। इतने ऊपर भी लोग रहते हैं यार, कैसे रहते होगे इन लोग। हाँ हाँ ऐसे रोड चले हुआ कि वो वाले ज़्यादा ही टर्निंग होते हैं ना, उसमें फिर मज़ा नहीं आती है। बहुत ज़्यादा टर्निंग्स में स्लो हो जाती है ना गाड़ी, बार बार गियर ऊपर नीचे गियर ऊपर नीचे। इतनी अच्छी ठंडी हवा आ रही है ना, आपको महसूस नहीं करा सकता। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि धूप तो है ही नहीं, ऐसे लग रहे हैं यहाँ पे 6:30 ऐसे कुछ बज गए हैं, इतना अंधेरा एकदम। पहाड़ों के ऊपर धूप ही नहीं लग रही यहाँ पे तो। वाली साड़ी मोगली मोगली जाएगी, मोलगी सॉरी मोगली बोल रहा हूँ, सीधा ही जाएगी तो मोगली मोलगी जाएगी, मुलगी मोलगी। थोड़ा लेफ्ट राइट हो जाता है, पहाड़ पे आ जाते फिर पहाड़ नहीं दिखता। ये समस्या है, देखो ये साइड हल्की हल्की सी धूप है, मीठी मीठी धूप। ओ सामने सामने रास्ता देखो एकदम फुल जलेबी भाई। सोलो अगर मैं होता ना बाइक पे तो और ज्यादा मजा आता, फुल लीन कर्व। और ये देखो गाइस यहाँ पे ऐसे बैठ के आते लोग, हमको इस पे डर लगता है, उन लोग उसके ऊपर डबल ट्रिपल कितनी सीट बिठा के ऊपर जा रहे हैं। ये कौन सा गांव आया? ये मेरे मुलगी गांव लग रहा है। अबे केटीएम आरसी और व्हाट, ये मुलगी का मेन बाज़ार होगा ऐसा लग रहा है मेरे को, मेन एरिया होगा जहाँ पे लोग रहते हैं। कितनी पब्लिक है यहाँ अचानक से, मैं सोचा इतने पहाड़ों के बीच में अचानक से एक गांव आ गया, कैसा लग रहा है। अरे चिच्चा